छेड़ने की कोशिश। एससीओ की मीटिंग में जिनपिंग ने पीएम मोदी और पुतिन के सामने क्या क्या कहा? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को भारत की अध्यक्षता में हो रही शंघाई सहयोग संगठन समिट को संबोधित किया। चीनी राष्ट्रपति ने इस दौरान अमेरिका का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। जिनपिंग ने कहा, क्षेत्र में नए कोल्ड वॉर के शुरू होने की कोशिशों का सामना करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के देशों के मामलों में बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के विरोध की बात भी कही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के प्रमुखों की 23वीं बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपील की सदस्य देशों को एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का वास्तव में सम्मान करना चाहिए। शी जिनपिंग ने एससीओ सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति की रक्षा करने और संयुक्त अभियानों के माध्यम से आतंकवाद पर नकेल कसकर आम सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सहित अन्य लोग शामिल हुए। शी जिनपिंग ने एससीओ देशों से आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने और वैश्विक शासन प्रणाली को निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें अपने क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी विदेश नीतियां स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में नए कोल्ड वॉर या कैंप आधारित टकराव को बढ़ावा देने के बाहरी प्रयासों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को भारत की अध्यक्षता में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को संबोधित किया। चीनी राष्ट्रपति ने इस दौरान अमेरिका का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। जिनपिंग ने कहा, क्षेत्र में नए कोल्ड वॉर को शुरू करने की कोशिशों का सामना करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के देशों के मामलों में भारी ताकतों के हस्तक्षेप के विरोध की बात भी कही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के प्रमुखों की 23वीं बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपील की सदस्य देशों को एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का वास्तव में सम्मान करना चाहिए। शी जिनपिंग ने एससीओ सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति की रक्षा करने और संयुक्त अभियानों के माध्यम से आतंकवाद पर नकेल कसकर आम सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सहित अन्य लोग शामिल हुए। शी जिनपिंग ने एससीओ देशों से आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने और वैश्विक शासन प्रणाली को निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें अपने क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी विदेश नीतियां स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में नए कोल्ड वॉर या कैंप आधारित टकराव को बढ़ावा देने के बाहरी प्रयास के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए।